टाइम लग जाएगा अपने अपने स्थान से। मेरा इधर को मतलब यानी कि शुक्रवार को रिजौरी सेक्टर में उनकी इनपुट मिला था कि वहां कुछ टेररिस्ट की एक्टिविटी थी। तो पैरा एक ऐसे रेजिमेंट है एंड पैरा एक ऐसे उनके अंदर जो सोल्जर्स है वो हर टाइम पर देश के लिए और अपना खुद की घरों के लिए किसी चीज के लिए भी करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे उनको इनपुट मिला था ये एक टीम गया था उनको कैजुअलिटी करने के लिए, बट बाय मिस्टेक जो भी ऑपरेशंस की वजह से रुचिन सिंह रावत ये जो गांव का देश के लिए बलिदान देना पड़ा। और ये गर्व की बात है हमारे इंडियन आर्मी के लिए भी और ये जो गांव के लिए भी। मैं इसकी फाइनल रिचुअल्स के लिए आया हूँ इधर, लेकिन मैं जितना इनकी गांव की जो सपोर्ट है जो इनके अंदर स्पिरिट है देश के लिए और अपना भारत माता के लिए ये बहुत गर्व की बात है। ये देख के हमारे को और खुशी हो जाती है कि देश के लिए और अच्छा काम करें और देश के लिए कुछ भी करने के लिए हम हर टाइम पर तैयार। देखिए ये निश्चित ही जैसा कि ये क्षण जो है ये दुखदायी भी है और गौरवशाली परंपरा जो हमारी उत्तराखंड की रही है जिसकी वजह से गढ़वाली सैनिक दूर से पहचाना जाता है, उसके बाएं कंधे पे जो लाल निशान होता है, लाल डोरी होती है, वो गौरवशाली परंपरा को निभाया है हमारे वीर सैनिक ने, हमारे भाई ने। और आज एक और हमारे क्षेत्र हमारे गाँव का लाल भारत माँ भारती का लाल बन गया।